बढ़ते हैं आगे। क्रिकेटर नजरुद्दीन के राजस्थान जाने के बाद कांग्रेस ने मुरादाबाद सीट से नूर बानो को चुनावी मैदान में उतारा है। नूर बानो का कहना है कि यूपीए सरकार के काम के आधार पर ही वो जनता के बीच जा रही हैं। नूर बानो से बात की हमारे संवाददाता मरिया शकील ने। क्या अजहरुद्दीन का नॉन परफॉर्मेंस या उनका मुरादाबाद में नहीं आना, नूर बानो बेगम नूर बानो जो रामपुर से मुरादाबाद आई हैं, उनके चांसेस को इम्पैक्ट कर सकता है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेगम साहिबा, नजाकत और नफासत की जो बात की जाती है वो दिखता है, खास डिजाइनर साड़ी, एक पर्स और पर्ल नेकलेस, कैसे कनेक्ट करेंगी आप मुरादाबाद के लोगों के साथ? ये तो मैं जो बनाते हैं वो दस्तकार है, जो ये करते हैं ये स्वामी बाबा हैं जिन्होंने मुझे दिया पहनने को। पर्स जो है वो पॉलिटिकल है, मतलब जिसमें मेरे वो कागज रहते हैं जो अलग अलग मैं रखती हूँ लोगों के काम के लिए। इसलिए कोई भी चीज़ जो आपने अभी बताई है कोई डिजाइनर नहीं है, सब वो हैं जो किसी के हाथ की बनी हुई है, किसी ने मुझे दी है। और दूसरी बात, जहाँ तक आप अभी जिक्र कर रही हैं अजहरुद्दीन का, जो अभी आपने कहा अजहरुद्दीन की बात आपने कही, तो मैं ये जानती हूँ कि मुरादाबाद के वो लोग हैं जो समझदार लोग, वो जानते हैं अजहरुद्दीन का हर शख्स अपनी अपने कर्म का जो काम करता है उसका जिम्मेदार होता है। उन्होंने क्या किया या नहीं किया ये मैं नहीं जानती, मुझसे पूछ के ना उन्होंने किया या नहीं किया। जहाँ तक मेरा सवाल है, इन लोगों का मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, मुरादाबाद का और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, जितने भी खड़े हैं ये लोग, और अब से नहीं, ये बरसों से, और मियाँ का मेरे मियाँ मिकी मियाँ का, तो उस वजह से इन लोगों का एक रिश्ता वो है मेरे साथ। तो ये मुझे जानते हैं अच्छी तरह कि जो बात मैं कहूँगी वो मैं करूँगी, और ये आप इनसे बात भी कर सकती हैं, आराम से कर सकती हैं पब्लिक से बात, और जो इतना मैं कर सकती हूँ कोशिश करूँगी इन लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए।